हाय गाइस कैसे हैं आप सब लोग सो हो पल आर डूइंग गुड सो गाइस आई एम बैक विद विंटर वेयर हॉल दिस इज माय फर्स्ट विंटर वेयर हॉल एंड आई एम सुपर एक्साइटिंग टू शो यू दैट व्हाट आई हैव ऑर्डर फ्रॉम मिंत्रा ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं एंड इस बार मैंने मिंत्रा से ना बहुत क्यूट एंड फंकी फंकी भी नहीं बोल सकते मतलब क्यूट एंड ट्रेंडी पीसेस परचेस करे हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आ रखे हैं मिंत्रा में मैंने इस बार जो प्रोडक्ट परचेस करे हैं अंडर थाउजें रुपीज़ में आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो होगा ना तो मैं उनकी लिंक दूसरे यू नो एप्स में दे दूंगी मतलब फ्लिपकार्ट में अमेज़ॉन में अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं उनकी लिंक्स भी दे दूंगी क्योंकि यू नो बहुत ज़्यादा सेल होने के बाद न, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं एंड गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वीडियो के लिए एंड अगर ये आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे ना प्लीज़ लाइक कर देना गाइज एंड डो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज सो या विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स के साडेड गाइज आई एम गोना स्टार्ट विद माई फर्स्ट प्रोडक्ट एंड लुक एट दिस पुल ओवर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल है एंड ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वेबसाइट में ना ये मेरी विश लिस्ट में ना बहुत टाइम से था एंड मुझे इसे लेना था बट इसकी प्राइसिंग उस टाइम फाइव हंड्रेड समथिंग में थी ना तो मैंने लिया नहीं बिकॉज इतना ये ना थिन मटीरियल है इसका ज़्यादा यू नो थिक नहीं है तो आपको विंटर्स में इसको अंदर से आपको कुछ पहनना पड़ेगा लेयरिंग करनी पड़ेगी तब जाके अच्छा लगेगा एंड अभी के लिए अभी जो स्टार्टिंग विंटर्स में आप इसको कैरी कर सकते हो मुझे ये जस्ट थ्री हंड्रेड या अंडर थ्री हंड्रेड में ये प्रोडक्ट मिला था एंड बहुत क्योंकि मैंने सेल में से परचेज़ कराया तो इसमें आ, अभी ऑप्शंस थे मतलब आ, उस टाइम तो मुझे ऑप्शंस मिल गए थे इसे आ, सेल में परचेज करने का सो गाइज so, देख सकते हैं आप हाँ, इसका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मल्टीपल कलर्स में था ये आ, तो मुझे जैसे और यहाँ पे ना हाई नेक में भी है तो मुझे इस टाइप के ना टर्टल नेक वाले या फिर हाई नेक में जो प्रोडक्ट रहते हैं ना विंटर्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट्स वाई मैंने इसे परचेज कराया एंड सीरियसली इसकी क्वालिटी अमेजिंग है इसमें मैंने साइज़ करा अपना एम साइज़ कराया बिकॉज मुझे ना जो 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 पुलोवर या फिर कोई स्वेटर होते हैं ना मुझे थोड़े लूज़ पसंद आते हैं एंड मुझे इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है आई लव द फिट एंड आई लव द क्वालिटी ऑफ़ दिस प्रोडक्ट तो मेरी साइड से हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं आपको अगर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट लेने हैं ना तो आप ले सकते हैं इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में सो या दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट में मेरे पास एक पुल है एंड इस टाइप के पुल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे इसे मैंने लास्ट ईयर परचेस करा था तो मैंने सोचा कि ये हॉल में आपको पूरा लास्ट ईयर का और इस मतलब इस टाइम मैंने जो परचेज कराया वो दोनों दिखा दूँ अगर ये स्टॉक में होगा तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो इसकी जो स्लीवस है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये जो बलून काइंड ऑफ की स्लीव्स है सी एंड ये ना रोडस्टर इसका ब्रांड है रोडस्टर में एंड मेरा साइज़ इसमें ऐसे है तो आपको अगर आप मतलब मेरे साइज के हैं तो आपको ये परफेक्ट आने वाली है

इसे ऑल टाइम मतलब वेयर करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये इसकी ना जो डिजाइन है बहुत अट्रैक्ट है एंड इसमें कलर ऑप्शन नहीं था रेड में ही था तो मुझे रेड कलर ही इसका बहुत अच्छा लगता है ज दिस वन इज़ द नेक्स्ट वन एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा अच्छा uh, मुझे विन शीटर लगाया मैंने इस बार विंड शीटर भी ट्राई करा uh, मिंत्रा से एंड इसकी क्वालिटी ओके ओके लगी मुझको एंड मैंने जो ये प्रोडक्ट परचेज कराया वो मैन सेक्शन से कराया मतलब ये मैन कैटेगरी का था एंड uh, इसमें मैंने अपना साइज़ एम परचेज कराया है सी मतलब मुझे इसकी क्वालिटी ना ये इट्स लुक लाइक अ रेनकोट मतलब प्रॉपर रेन कोट की जैसी इसकी लुक्स है यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो इलास्टिकेटेड इसका हैंड्स में मिल रहा है ये भी प्रॉपर मुझे एक रेनकोट का ये फ़ील करा रहा है तो मुझे इतना ये इसकी मतलब वैसे वॉर्म फील करा रहा था एंड प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी आई थिंक 800 समथिंग का था ये सो so, uh, मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ जो दिस इज़ द फ्रंट आप मुझे बताना है कि ये प्रोडक्ट कैसा है तो मैं इसके लिए अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं इसे रखूँ कि मैं इसे वापस कर दूँ बिकॉज ये ना थोड़ा थोड़ा रेनकोट की फ़ील दे रहा है मुझको तो विंटर्स में लोग मुझे बोलेंगे कि ये रेनकोट में कहाँ घूम रही है सी <laughs> सो so, ये इसका बैक है इसमें आपको फ्रंट में ना यहाँ पे पॉकेट्स मिलती हैं एंड इसमें आपको प्रॉपर हाई नेक मिलता है जो इसका क्लोजर है आप इसको ऊपर तक आ, फिट कर सकते हो नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिकेटेड यहाँ वेस्ट साइज में भी दिया है एंड प्रोडक्ट का ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है मतलब मुझे प्रॉपर यू नो फिट आ रहा है मुझे थोड़ा सा लूज ही चाहिए था तो मैंने इसे एम साइज़ में मंगाया नहीं तो मैं एस में भी देख सकती थी तो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मास्ट एन हर्बर प्रोडक्ट ओके ओके लगा मुझको आप इस बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की सो so, नेक्स्ट मेरे पास है स्वेटशर्ट एंड इस टाइप का स्वेटशर्ट मैंने इस बार पिक करा है इसमें ना ऑलिव कलर में था एंड मरून कलर इसमें ऑप्शंस थे कलर एंड ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा वार्म है एज यू कैन सी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इसका कलर भी लगता है मुझको ऑलिव में है uh, मेरे पे रेड है तो मैंने इसमें ऑलिव कलर सेलेक्ट कराया है एंड सी इसमें मैंने अपना साइज एस कराया है एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर एंड रोस्टर के कपड़े बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं एंड सी आप इसकी स्लीव देख सकते हैं आपको ये फुल स्लीव्स में एंड यहाँ पे आपको मॉक नेक

है. मुझे डिस्काउंट में मैंने परचेस करी थी ना तो मुझे सिक्स हंड्रेड की मिल गई थी इसमें साइज के हिसाब से क्वालिटी अमेजिंग है सो यार दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट Yeah guys, that's it for today's video. Hope you guys like it. If you like this video, then give this video a big thumbs up and subscribe to this channel for more such videos. You can also follow me on my Instagram. So, yeah, thank you so much for watching. Till then, bye bye.